मंगलोर में बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी का सोमवार को निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे और लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीने पहले ही मुंबई में भी उनका इलाज हुआ था। विधायक के निधन के बाद पूरे कस्बे और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ रही है। भाजपा नेता दिनेश पवार ने कहा, हाजी सरवत के निधन की सूचना मिलने पर बहुत दुखद है। विधायक सरवत करीम अंसारी की मृत्यु से विधानसभा मंगलोर विधायकहीन हो गई। उन्होंने कहा, राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी हर व्यक्ति के लिए अच्छे इंसान थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं, राजनेताओं ने, सामाजिक संगठनों ने विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर शोक जताया। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हाजी सरवत करीम जो हमारे विधायक थे, उनका कल निधन हो गया, उसकी सूचना मिली। बहुत दुख है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री सरवत करीम जी की आत्मा के जहां भी हैं उनको श्री चरणों में स्थान दे। शब्द और समाप्त हो चुके हैं, अचानक ये खबर आई और मैं ये कहता हूं कि पता नहीं शायद देवभूमि उत्तराखंड को किसकी नज़र लगी है, एक के बाद एक विधायक हमारे जा रहे हैं। और सरवत करीम अंसारी साहब हमारे सर के ताज थे, मुस्लिम समाज में अपनी अलग पहचान रखते थे, संघर्ष करते थे, सादा जीवन था, सादगी भरा अंदाज था। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस सादगी के लिए जिसके लिए वो जाने जाते थे, आज शायद उनकी कमी सियासत में कोई पूरी ना कर सके। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये। हाजी सरवत करीम अंसारी जी, पता है आपको, पिछले साल भी बहुत बीमार रहे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से एक डेढ़ साल से तबीयत बहुत ठीक थी। अचानक दो दिन से उनकी तबीयत बिगड़ी और कल हम लोगों को पता चला सुबह कि वो एक्सपायर हो गए हैं।